गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपना एक नया टॉपिक है आहरण पर ब्याज, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे, इसको जानने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है। जब व्यवसाय का स्वामी यानी पार्टनर बिजनेस से कैश गुड्स या बिजनेस की असेट्स अपने पर्सनल यूज के लिए काम में लेता है, तो बिजनेस यानी पार्टनरशिप फर्म उस पार्टनर से किए गए ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ठीक है। और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास दो मेथड है, देयर आर टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। पहला है मेथड है जिसको बोलते हैं गुणनफल विधि, यानी प्रोडक्ट मेथड, और दूसरा है औसत विधि जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एवरेज मेथड, ठीक है। अब गुणनफल विधि यूज में कब लेनी है, यानी प्रोडक्ट मेथड यूज में कब लेना है और एवरेज मेथड यूज में कब लेना है, ये हमें जान लेना चाहिए। बेटा देखो, जब रेंडमली ड्रॉइंग किया जाता है, रेंडमली ड्रॉइंग मींस जनवरी फर्स्ट को, फर्स्ट फेब, फर्स्ट मार्च, फर्स्ट अप्रैल, फर्स्ट मई, फर्स्ट जून, फर्स्ट जुलाई, फर्स्ट अगस्त, फर्स्ट सितंबर, फर्स्ट अक्टूबर, फर्स्ट नवंबर एंड फर्स्ट दिसंबर, यानी कोई पार्टनर इस प्रकार से रेंडमली ड्रॉइंग करता है, ठीक है। हर महीने की पहली तारीख को ड्रॉइंग करता है, जरूरी नहीं पहली तारीख हो, महीने की आखिरी तारीख भी हो सकती है, आया समझ में, महीने की बीच की तारीख भी हो सकती है, और जरूरी नहीं प्रत्येक महीने हो, क्वार्टरली भी हो सकता है। क्वार्टरली मींस पहला आहरण जनवरी फर्स्ट को किया, फिर आफ्टर थ्री मंथ फिर आहरण कर लिया, फिर आफ्टर थ्री मंथ, फिर आफ्टर थ्री मंथ, इस प्रकार तीन तीन महीनों के बाद आहरण करेगा चार बार, ठीक है। तो क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जब कंटिन्यू ड्रॉइंग होगा ना उसका, तो हमें यूज करना होगा एवरेज मेथड, ठीक है। और जब कंटिन्यू रेंडमली ड्रॉइंग नहीं है, तो फिर कौन सा मेथड यूज करना है हमें, कौन सा मेथड यूज करना है, प्रोडक्ट मेथड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट मेथड के बारे में, ठीक है। और जब प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया होगा ड्रॉइंग है वो पूरे साल में कौन कौन से डिफरेंट डे को की गई है, तो यहां मिलेगा एक तो डेट, क्या मिलेगी, डेट, कौन सी डेट, जिस डेट को ड्रॉइंग किया गया है, फॉर एग्जांपल 31st ऑफ जनवरी, उसके बाद दे दिया आपको 1st ऑफ मार्च, उसके बाद दे दिया 30th ऑफ जून, उसके बाद दे दिया 1st ऑफ अगस्त, उसके बाद दे दिया 1st ऑफ नवंबर, उसके बाद दे दिया 31st ऑफ दिसंबर, इस प्रकार से ड्रॉइंग दे दी। देखो इसमें कोई रेंडम है क्या,
ये पहले जनवरी को किया गया, फिर 1 मार्च को किया गया, फिर 30 जून को। कोई रेंडम है क्या इसके बीच में? नहीं है ना। पहला जनवरी को, फिर 1 मार्च को, फिर 30 जून को, फिर 1 अगस्त को, फिर 1 नवंबर को, फिर 31 दिसंबर को। कोई रेंडम नहीं है ना इसमें। तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन होगा तो हमें कौन सा मेथड यूज लेना पड़ेगा? प्रोडक्ट मेथड। और प्रोडक्ट मेथड के लिए हम सबसे पहले कॉलम बनाएंगे डेट का, उसके बाद कॉलम बनाना है ड्रॉइंग। अब ड्रॉइंग 1 जनवरी को किया इसने 5000, फिर किया 3000, फिर किया 8000, फिर किया 7000, उसके बाद नवंबर को है 10000 और दिसंबर को है 2000। ये ड्रॉइंग दे रखी है, ठीक है। उसके बाद कॉलम लेना है पीरियड का। अब पीरियड में क्या नोट करना है इसको थोड़ा ध्यान से देखना। पीरियड में नोट क्या करना है कि आपका फर्स्ट ड्रॉइंग किया कब है, जो तारीख ड्रॉइंग की है उसके बाद में गिन लो साल के कितने महीने बचते हैं। तो फर्स्ट है 31 जनवरी, तो जनवरी तो पूरा चला गया, उसके बाद गिन लो साल के कितने महीने बच गए। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, दिसंबर तक कितने महीने हो गए? 11 महीने। तो पीरियड कितना आएगा? 11 महीने। आया समझ में? अब नेक्स्ट ड्रॉइंग कब है? 1 मार्च। तो 1 मार्च को है, तो 1 मार्च के बाद पीरियड गिनना है। तो मार्च पूरा महीना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर कितने महीने आए? 10 महीने। उसके बाद है 30 जून, तो 30 जून के बाद मतलब जून तो पूरा चला गया। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कितने महीने आए? 6 महीने। फिर है 1 अगस्त, तो 1 अगस्त से गिनोगे तो अगस्त फर्स्ट है, ध्यान रखना। तो अगस्त का पूरा महीना पड़ा है, नहीं पड़ा? तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कितने महीने आए? 5। फिर 1 नवंबर, तो नवंबर और दिसंबर कितने महीने रह गए? 2। फिर 31 दिसंबर, तो देखो 31 दिसंबर के बाद कितने दिन बचते हैं, साल खत्म हो जाता है ना। कितना आया? 0। आगे कॉलम बनाना है प्रोडक्ट। किसका कॉलम बनाना है? प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के कॉलम में देखो आप, ये ड्रॉइंग के अमाउंट है वो कितने महीने यूज मिलेगा पार्टनर। तो इस ड्रॉइंग के अमाउंट को यूज किए गए मंथ से मल्टीप्लाई कर दो। 55,000, 30 × 10, 3 × 10, सॉरी 30,000, 48,000, 35,000 और 10,000 × 2 = 20,000 और 2,000 × 0 = 0। अब करना है हमें इसका टोटल। किसका? प्रोडक्ट का। किसका टोटल करना है? प्रोडक्ट का। तो 0, 0, 0, 5 और एड 13 और 5 18, कैरी 1, 5 8 6, 3 9 13, 16 और 18। तो बेटा टोटल ड्रॉइंग कितना आ गया? 1,88,000। यह आया है टोटल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड जब यूज करेंगे तो इस प्रकार से टेबल लेकर हमें प्रोडक्ट का ज्ञात करना है और प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद प्रोडक्ट का सम करना है। अंडरस्टैंड? अब निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो यूज करना है हमें। फॉर्मूला है, वो लिखेंगे टोटल प्रोडक्ट
डेट इनटू रेड अपॉन 100 इनटू 1/12, 1/12, यानी ये सारा प्रोडक्ट है, हमने मान लिया कि ये 1 मंथ के लिए ड्रॉइंग है, आया समझ में? तो यहां टाइम की जगह क्या आएगा, 1/12। अब टोटल प्रोडक्ट है 1,88,000, रेट क्वेश्चन में दी हुई होगी, वी सपोज रेट इज 6% और इनटू टाइम इज 1/12, कैलकुलेशन करेंगे, 2020 कैंसिल, 6 1 6 6 2 12 इनटू 1/2, 2 से कैंसिल करो तो बेटा इंटरेस्ट की अमाउंट क्या आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की अमाउंट क्या आ गई, 940 रुपीज, यानी 940 रुपए क्या आ गया, इसके आयरन का ब्याज आ गया। तो ये था हमारा प्रोडक्ट मेथड जिससे हमने ज्ञात कर लिया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फाइंड आउट करने का दूसरा फॉर्मूला होगा एवरेज मेथड का, तो एवरेज मेथड को डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आपको नोट करना है नोट कर लीजिए, कोई डाउट तो आप डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।